असलम दोस्तों, बड़े लंबे अरसे के बाद YouTube आप सब के लिए बड़े मज़े मज़े के फीचर लेके आया है, बड़ी मज़े मज़े की अपडेट्स लेके आया है। लिहाजा आपने अब ज़ुबैर भाई से गिला नहीं करना कि ज़ुबैर भाई हमारे चैनल पे हमें ये जो फीचर है नहीं मिले। लिहाजा आपने एक भी फीचर को, एक भी अपडेट को स्किप नहीं करना। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस फ्यूचर में बार बार मिलती रहें। दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि ये वाली अपडेट मुझे नहीं पसंद आई, ये वाली अपडेट मुझे पसंद आई, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर सभी अपडेट्स बड़ी पसंद आई है। अब आपने कमेंट करके मुझे बता देना है कि सबसे ज़बरदस्त और मज़े की अपडेट आपको कौन सी लगी। अच्छा जनाब, जो सबसे पहली अपडेट है वो ये है कि 15 अक्टूबर से पहले पहले, ये अक्टूबर का मंथ चल रहा है ना, 15 अक्टूबर से पहले पहले जब भी आप अपने YouTube चैनल पे 59 सेकंड की वीडियो अपलोड करते थे तो वो जनाब YouTube आपके शॉर्ट्स में डाल देता था, यानी कि वो शॉर्ट काउंट होता था एक मिनट से जो पहले पहले की वीडियो होती थी। लेकिन अब 15 अक्टूबर के बाद जो भी आप वीडियो अपलोड करेंगे अपने शॉर्ट्स में जाके, शॉर्ट वाले फीचर में जाके, तो आप अपने शॉर्ट्स में 3 मिनट तक की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। 2 मिनट और 59 सेकंड तक जनाब आप अपने शॉर्ट को अपलोड कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा, आपको 10 मिलियन व्यूज़ ही करना पड़ेंगे, यानी कि मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया में कोई चेंजेस नहीं है। बस YouTube ने आपको एक एक्स्ट्रा फीचर दिया ताकि आप अपने कंटेंट को ऑडियंस को अच्छे तरीके के साथ जनाब दिखा सकें। तो लिहाजा YouTube ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपने चैनल को जल्दी से जल्दी वायरल कर सकें। तो ये जनाब अपडेट नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे जनाब आपके लिए ये फीचर है कि अब आप क्या करेंगे, अब आप जब भी YouTube पे वीडियो अपलोड करेंगे फ्यूचर में, इनकमिंग डेज में, तो जितने भी आपके कमेंट्स आएंगे आपकी वीडियो के नीचे, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, जैसे कि फेसबुक पे होता है कि यार आपके सब्सक्राइबर्स को या आपके फॉलोअर्स को यूट्यूब या फेसबुक की तरफ से बैजेस अलॉट किए जाते हैं, यानी कि जो आपका रेगुलर व्यूवर है, जो आपका सेंसियर और लॉयल व्यूवर है, तो उसके कॉमेंट के आगे जनाब आपको एक फ़ीचर नज़र आएगा, एक बैज नज़र आएगा जनरल ऑडियंस को। तो ये मेरी नज़र में बड़ा अच्छा फीचर है, इससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगी। तो डिफरेंट टाइप की स्क्रीन पर आपको नज़र आ सकते हैं, आपके लिए बड़ा अच्छा फीचर है ये वाला ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस आपसे कितना लॉयल है, कितना आपसे प्यार करती है। ये फीचर नंबर 2 है। फीचर नंबर 3 ये है कि जब भी आप YouTube पे वीडियो अपलोड करेंगे तो आप जो भी वीडियो अपनी प्लेलिस्ट में डालेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको एक रेटिंग शो होगी, यानी कि ऑडियंस के पास ये राइट होगा कि आपकी प्लेलिस्ट में जाके जब वो आपकी वीडियो को वॉच करेंगे, अगर आपकी वीडियो उन्हें अच्छी लगती है तो आपकी वीडियो को वो वोटिंग भी दे सकते हैं। ये स्क्रीन पे आपको मैं दिखा देता हूँ, वोटिंग के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं उनमें से आया कि ऑडियंस आपकी वीडियोस को पसंद कर रही है या नहीं कर रही। वोटिंग में जब वो वोटिंग पर क्लिक करेंगे, जैसे लाइक बटन होता है उस पर क्लिक करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्लेलिस्ट में जो सबसे अच्छी वीडियो है रैंकिंग वाइज कौन सी है। तो मेरी नज़र में एक अच्छा फीचर है। 3 फीचर हो गए। फीचर नंबर 4 जनाब मेरी इसी वाली वीडियो से रिलेटेड है। अब आपने क्या करना है, मेरी इसी वाली वीडियो को लाइक कर देना जिस तरह से मैंने ये लाइक किया। जब लाइक किया तो यहाँ पे एक लाइटिंग सी आपको शो हुई। इसके अलावा जब आपने मेरी इसी वाली वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, जैसे मैं ये सब्सक्राइब कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आपको एक कलरफुल जनाब एक एनिमेशन नज़र आई है। तो ये फीचर तो जनाब पहले से आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन अब जनाब इसके साथ साथ YouTube आपके इसी वाले प्लेटफॉर्म पे YouTube और मल्टीपल टाइप के फीचर लेके आ रहा है, कलरिंग स्कीम लेके आ रहा है, तो वो इंशाल्लाह आपको कमिंग डेज में नज़र आ जाएगी। ये जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है रेड किस्म की लाइंस उसने बॉर्डर लगाए हुए हैं, तो इस तरह का फीचर भी आपको जनाब मिल जाएगा फ्यूचर में। फीचर नंबर 5 में जनाब ये है कि जब भी कोई आपसे आपके चैनल का लिंक मांगेगा या आपकी प्ले लिस्ट मांगेगा तो आप उनको लिंक नहीं भिजवाएंगे, आप जैसे ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है बारकोड भिजवाएंगे। बारकोड को जब आप उनको सेंड करेंगे स्क्रीनशॉट, तो वो उसको स्कैन करेंगे, स्कैन करेंगे तो आपका जो चैनल है, आपकी जो प्लेलिस्ट है, उनके सामने ओपन हो जाएगी। तो मेरी नज़र में ये एक यूज़र फ्रेंडली फीचर है, ऑडियंस को यार अच्छा लगेगा कि एक यूनिक किस्म का आपने उन्हें यूनिक स्टाइल से आपने लिंक की बजाय उन्हें एक स्क्रीनशॉट भेजा, जब स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका चैनल आपकी प्लेलिस्ट आ जाएगी, तो उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उनको वीडियोज नज़र आ जाएंगी। 5 फीचर हो गए। जो 6 नंबर पे जनाब फीचर है वो ये है कि आप अपनी इसी वाली प्लेलिस्ट में कस्टमाइज थंबनेल भी लगा सकते हैं। आज से पहले जनाब, इस अपडेट से पहले आपके पास ये वाला फीचर नहीं था। आप क्या करते थे, जो भी वीडियो अपनी प्लेलिस्ट में डालते थे वहां पे आप किसी वीडियो का थंबनेल लगाते थे। अगर 10 वीडियो है तो आप एक वीडियो का थंबनेल अपनी प्लेलिस्ट में शो कर देते थे, लेकिन अब क्या होगा, अब फ्यूचर में जनाब आप कस्टमाइज थंबनेल लगा सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट आप वीडियोज में थंबनेल लगाते हैं, कस्टमाइज बनाते हैं, तो आप जनाब AI
AI की मदद से या वैसे आप अपनी गैलरी से कस्टमाइज थंबनेल चूज करके अपनी प्लेलिस्ट में लगा सकते हैं। इससे आपकी व्यूवरशिप भी जनाब बढ़ेगी। ऑडियंस के लिए आप आई कैचिंग जब थंबनेल लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप उनकी अटेंशन को गेन करेंगे, तो आपकी व्यूवरशिप भी बनने के चांसेस हैं। तो जनाब सातवें नंबर पे जो फीचर है वो ये है कि पहले क्या होता था, पहले जब भी आप यूट्यूब पे कोई वीडियो प्ले करते थे, मिसाल के तौर पे ये मैंने वीडियो प्ले कर दी, पहले आप क्या करते थे, जब आप किसी वीडियो को प्ले करते थे तो जल्दी से उस वीडियो को देखने के लिए, वॉच करने के लिए आप इस तरह से स्क्रीन पे प्रेस कर देते थे। रूटीन से हट के ये तेज़ी के साथ वीडियो प्ले हो जाती थी 2x पे रख के। लेकिन अब जनाब आपके लिए एक नया फीचर है। पहले क्या था, पहले आप सेटिंग में जाते थे, सेटिंग में जाके यहाँ पे प्लेबैक स्पीड पे क्लिक करके इस तरह से आपको मैनुअल चूज करना पड़ता था। लेकिन अब क्या होगा, अब यह स्क्रीन पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अब आपको इस तरह से मैनुअल चूज करने की जरूरत नहीं है। अब फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, अब आप अपनी मर्जी के मुताबिक जस्ट वन क्लिक पे लेफ्ट और राइट करके वीडियो को स्पीड अप भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। आपको वन बाय वन सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए टाइम सेविंग होगा, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, लेकिन आपके लिए भी अच्छा है। जब आप डिफरेंट वीडियोस को सर्च कर रहे होते हैं, रीसर्च कर रहे होते हैं, तो ये आपके मतलब की चीज़ है अगर आप देखें वीडियो कंटेंट क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों एक और मज़े का जो फीचर यूट्यूब ने आपको दिया वो शॉर्ट्स में दिया है। पहले आपके पास ये राइट नहीं था कि आप किसी भी शॉर्ट को क्रॉप कर सकें या एडिट कर सकें, तो यहाँ पे अब फ्यूचर में आपको एक फीचर मिलेगा यूट्यूब की तरफ से, आप अपने शॉर्ट्स वाली वीडियोस को एडिट भी कर पाएंगे और क्रॉप भी कर पाएंगे। और लास्ट पे जो फीचर है वो ये है कि यूट्यूब फ्यूचर में आपका जो लैंडस्केप या डेस्कटॉप आपका व्यू होगा, वहाँ पे आपके जो थंबनेल है, जो टेक्स्ट वर्डिंग है या थंबनेल है, उनको बड़ा करके दिखाएगा ऑडियंस को, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छा फीचर है। कोई भी आपके चैनल पे अननोन पर्सन आता है, आपकी वीडियोस को प्ले करता है, जितनी भी सारी वीडियो है व्यू ऑल पे क्लिक करता है, तो आपकी जो थंबनेल है उनका जो साइज है वो बड़ा करके दिखाएगा, थोड़ा सा ब्रॉड करके दिखाएगा। तो मेरी नज़र में आपके लिए एक अच्छा फीचर है, एक अच्छा प्लस पॉइंट है ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में मैंने आपसे जितने भी फीचर शेयर किए हैं आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अब आपने कॉमेंट करके मुझे बताना है कि सबसे अच्छी अपडेट और सबसे अच्छा फीचर आपको कौन सा लगा। मुझे ज़ाती तौर पर जो फीचर पसंद आया है वो शॉर्ट से रिलेटेड पसंद आया है कि 2 मिनट और 59 सेकंड 59 सेकंड तक आप अपने शॉर्ट वाली वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो यार बताएं मुझे क्यों नहीं किया, वीडियो को तो लाइक कर दें। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन आदमी क्लिक कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ फ्यूचर में बार बार मिलती रहे।